फिर वो लोग हज़रत ईसा की गिरफ्तार करी के सारे तो बड़े मजहबी पेशवा ने घर किनी गए ते हज़रत पतरस दूरों दूरों उन्होंने पीछे पीछे गए। जिसलै लोकां अंदर बेड़े विच अग बाली तो सारे उसने आसा पासा बैठे, हज़रत पतरस भी अंदर बेड़े विच जाई के उन्हां नाल बेही गए। एक नौकरानी हज़रत पतरस की गौर नाल तकी के आखन लगी, ए भी ईसा नाल सी, पर हज़रत पतरस इनकार करी छोड़िया, बीबी मैं तो उसी सियाणा भी ना। थोड़ी देर बाद एक और बंदे हज़रत पतरस की तक्की के आख्या, तू ही उन्ना विच्चू ही है। हज़रत पतरस आख्या, ना संगिया मैं ना। तकरीबन घंटे एक बाद कुसा और बंदे पुरजोर अंदाज विच आख्या, वाकई ए बंदा भी उस नाल सी, क्योंकि ए भी गलील सूबे ना रहण आला है। पर हज़रत पतरस आख्या, यरा मिकी नहीं पता तू उसने बारे विच गल्ला करना पिया है। जिसलै वो गल्ला ही करने पे सन कि इतने विच कुकड़ा बांग चाई दित्ती। हज़रत ईसा पिछे मुड़ी के हज़रत पतरस की तकिया तो हज़रत पतरस की वो गल याद आई कि हज़रत ईसा आख्या सी, अज कुकड़ा नी बांग होने को पहले त्रै बारी तुम्हारा इनकार कर सें। फिर हज़रत पतरस बाहर जाई के फुटी फुटी रोए। सिपाही हज़रत ईसा की मारने सन तो उन्होंने मजाक करने सन, वो उन्होंने अखियां पर पट्टी बन्नी के आखने सन, कोई वही आई है तो दस तू कि कुछ मारिया। इस तू इलावा उन्होंने लोकां हज़रत ईसा ने बहु बेइज्जती भी की सी। अगले दिहाड़े सवेरे सवेरे ही बनी इसराइलिया ने बड़े बडेरे बड़े मजहबी पेशवा ते शरीयत ने आलम सारे कट्ठे होए ते हज़रत ईसा की शरीयत नी अदालत विच पेश किता। उन्ना आखिया, असा की दस कै तू वाकई अल्लाह ताला ना भेजिया वा मसीह है। हज़रत ईसा जवाब दिता, कदा मैं तुसा की ए गल आखां ते तुसा यकीन ना करन लगे, ते जे मैं एक सवाल पूछा ते तुसा जवाब भी ना देन लगे। पर हुण तो बाद इबने इंसान अल्लाह ने सज्जे पासा बेही जासी। उन्हें सारे आख्या, फिर तो तू अल्लाह ना पुत्र है। हज़रत ईसा जवाब दिता, तुसा आपो इस गल ना इकरार करने पे हो। ए गल सुनी के लोकां आख्या, हुण असा की कुसा नी गवाही नी कह लोड़ है, असा सारे आपू एक कुफर इसने मुंह विचों सुनी केंदा।